हे गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। पार्ट ए में बोला गया है क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं, सो इट इज फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसकी चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ पार्ट बी, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। इट्स ट्रू, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। देखिए, रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कमिंग टू पार्ट सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। देखिए, जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स बोथ स्क्वायर एंड रोम्बसिस हैव देयर ऑल द साइड्स इक्वल, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस। स्क्वायर और रोम्बसिस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस हैं, और स्क्वायर और रेक्टेंगल के ईच एंगल राइट एंगल होता है। दैट्स व्हाई स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल्स। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। डी में बोला गया है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। पार्ट डी जो है वो फॉल्स है, बिकॉज जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वही स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, सो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। पार्ट फाइव, ऑल काइट्स आर रोम्बस। इट इज ऑल्सो फॉल्स। काइट एक क्वाड्रिलेटरल होती है और रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होता है, सो काइट की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं। दैट मीन्स इट इज फॉल्स, सारी काइट्स रोम्बस नहीं होती हैं। नाउ कमिंग टू पार्ट सिक्स, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स। इट इज ट्रू, क्योंकि काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं, सो इन रोम्बस कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, इसीलिए सारे रोम्बसेस जो हैं वो काइट्स हैं। कमिंग टू पार्ट जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। इट इज ऑल्सो ट्रू, जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दैट्स व्हाई ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम्स। नाउ कमिंग टू पार्ट एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर ऑफ पैरेललोग्राम में सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम।